हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। मेरे चैनल पर आप लोग को केवल और केवल स्टडी मिलेगी, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि मैं अपने वीडियोस में केवल पढ़ाता हूँ, ठीक है? आप अगर वीडियोस आप लाइन बाय लाइन देखें तो आपको बिल्कुल क्लासरूम की फीलिंग मिलने वाली है। और डाउट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर और मेल आईडी दे रखी है, तो आपको जब भी जितने भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पहला टॉपिक आता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, जिसको जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। स्लोप होता क्या है? स्लोप इज द एंगल टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। देखिए ये लाइन है ब्लू कलर में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा बना, इधर भी दिखा सकते थे यार, ऐसा ऐसा क्या है ये थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एंटी क्लॉक घूमा तो थीटा एंगल आ गया, तो इसका टेन ले लीजिए तो यही क्या हो जाएगा हमारा स्लोप। वैसे ही जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इसका स्लोप लिया कहां, इसका एंगल लिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो इसका टेन ले लिया तो क्या आ गया स्लोप। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज द टेन ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके? अच्छा मान लीजिए लाइन पर दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है? एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करे तो उसका स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। कैसे आता है यार, बहुत ही सिंपल सा है। ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक वाई टू, यहां से यहां तक वाई वन, तो हो गया वाई टू माइनस वाई वन। ये कितना होगा भाई, यहां से यहां तक एक्स टू, यहां से यहां तक एक्स वन, तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। टेन थीटा अगर पूछू तो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी स्लोप, ओके? अच्छा पैरेलल लाइन एक्सिस के जिसका स्लोप होता है जीरो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप कितना होगा, जीरो। अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के तो वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि 1090 इज नॉट डिफाइंड, ओके? कुछ इन्फिनिटी लोग बोलते हैं इन्फिनिटी इज आल्सो नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देखिए जे एक जनरल लाइन की इक्वेशन है, ठीक है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ जनरल लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसकी स्लोप क्या होती है माइनस का a अपॉन b, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है? देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू b, जहां पर b क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस हाफ, इस तरह से, ठीक है? अगर हम पर्टिकुलर x एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। इस तरह से पैरेलल इक्वेशन किसकी, y एक्सिस के, क्या होगी, x इज इक्वल टू a, जहां पर a क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस का 2.8, ऐसा कुछ भी। अगर पैरेलल पर्टिकुलरली हम y एक्सिस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1, एक लाइन पर एक पॉइंट दे दिया गया, एक पॉइंट दे दिया उन्होंने x1 कॉमा y1 और इसकी स्लोप दे दी है m, तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये आपको याद रखना है, ठीक है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अगर ये पॉइंट जीरो हुआ भाई, ये पॉइंट ओरिजिन हुआ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx, ठीक है? अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये दो पॉइंट से पास कर रही है, दो पॉइंट से पास कर रही है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, तो स्लोप बस ये वाले फॉर्मूले में स्लोप आपको पता होगा, दो पॉइंट अगर लाइन पर दिए गए तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला आ गया बिल्कुल, बस यहां पर स्लोप की वैल्यू लगती है, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर ऑफ साइड a लाइज अबव द x एक्सिस, एक स्क्वायर है जो कि x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा एंड हैज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ठीक है भाई? एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है और पूरा स्क्वायर एक्सिस के ऊपर है, ठीक है? वन साइड ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा, अल्फा 0 से 45 डिग्री के बीच में। देखिए को कहानी कुछ इस तरह से है कि एक स्क्वायर है, ये हो गया एक्स एक्सिस, अब ये 45, ये तो आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल अल्फा होगा, यानी ये वाली जो पहली साइड है वो एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है? और सब ये पूरे साइड लेंथ सबकी कितनी है, ए ए ए ए, ओके? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायग्राम नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए अपने पास दो डायग्राम है,
एक तो ये ओरिजिन से पास करने वाली ये वाली डायगनल होगी, और उन्होंने कहा है कि ये वाली डायगनल बताओ, ये वाली है, ठीक है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये लेंथ ए, ये एंगल अल्फा बन रहा, तो ये लेंथ कितनी होगी, ए कॉस अल्फा, और इस तरह से ये होगी कितनी, ए साइन अल्फा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं इस पॉइंट को रोटेशन ऑफ पॉइंट इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, जिसको मैंने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट टू में बताया भी हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा। इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, वो पॉइंट क्या निकलता था, उस वहां पर बताता था ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट करते थे तो निकलता था ए प्लस आर कॉस थीटा प्लस फाइव कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा प्लस फाइव। थीटा क्या होता था, जितने से हम घुमा रहे होते थे, फाइव क्या होता था, जितना एंगल वो पहले से बना रहा होता था, आर क्या होता था, जिस लेंथ को घुमा रहे होते थे, ए और बी क्या होते थे, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घुमा रहे होते थे। तो यहां पर किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, 0.0 के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 ये 0, किस इसकी लेंथ कितनी है, ए आर की जगह पर आ गया ए, अच्छा ये एंगल अल्फा बना रहा, 90 घूम रहा है, यानी कितना हो गया ये 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, यानी ये पॉइंट कितना हो गया भाई, कॉस 90 प्लस अल्फा, यानी कितना हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और इसी तरह से साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा, एक कॉस अल्फा, यानी दो पॉइंट हमें पता चल गए। अब दो पॉइंट पता चल गए तो दोनों पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन की, दो पॉइंट से पास करने लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस सेवन इज इक्वल टू y2 माइनस सेवन अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, बस वही फॉर्मूला लगा देते हैं, लगाइए y माइनस y1 a साइन अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा अपॉन x2 माइनस x1 a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा x माइनस a cos अल्फा। देखिए ऊपर से a कॉमन, नीचे से a कॉमन कैंसिल, ये माइनस इन दोनों से कॉमन हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सॉरी प्लस कॉस अल्फा वाई, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इसे प्लस हो गया, ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करिए भाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एक्स, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया माइनस का a cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस a sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें कैंसिल होंगी, ये कैंसिल आउट, इसको उठा के उधर भेजा, नहीं सॉरी इसको उठा के इधर भेजा, तो ये उठ के इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों में से a कॉमन लेने क्या हो जाएगा a टाइम्स sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अल्फा, यानी 1 बचेगा केवल a, उसके बाद इसको उठा करके उधर भेज दिया तो कितना आ गया, ये इधर पहले था cos अल्फा माइनस साइन अल्फा x, और ये माइनस वाला उठ के उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा y, ये हमारी उस डायगनल की इक्वेशन आ जाएगी जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, अगर एक लाइन है जिसकी स्लोप है m और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, y एक्सिस को कट कर रहा है किस पर, c लेंथ पर, ठीक है, ये c है, तो इक्वेशन क्या होगी y is equal to mx plus c, अगर पर्टिकुलरली बात करें कि ये लाइन ओरिजिन से पास करें तो c कितना हो जाएगा 0, यानी लाइन हो जाएगी y is equal to mx। ध्यान देना है अगर लाइन ऐसी हो, मान लो स्लोप इसका m है और ये 1 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y is equal to mx plus 1, अगर लाइन ऐसी है ये मान लीजिए माइनस टू है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y is equal to mx minus 2, नीचे है तो निगेटिव ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए ऐसे, ये लाती है माइनस का 3.5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी y is equal to mx minus 3.5, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मड बाय द लाइंस y is equal to mx, y is equal to mx plus 1, y is equal to nx and y is equal to nx plus 1. इन चार लाइनों से बनी इक्वेशन को हमें सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया बताना है. ठीक है ना. चलो जो पहली लाइन y is equal to mx, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 0, स्लोप है m. हमने ये खींच दिया भाई y is equal to mx. दूसरी लाइन है y is equal to mx plus 1, इसका y इंटरसेप्ट कितना है 1, स्लोप उतनी है m. इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन खींची. ठीक है, y is equal to mx plus 1. उसके बाद बाकी दो लाइनें हैं y is equal to nx and y is equal to nx plus 1, दोनों का स्लोप m है, इसका y इंटरसेप्ट 0, इसका y इंटरसेप्ट 1. तो भाई चलिए खींचते हैं, ये हो गया y is equal to nx. ठीक है, कुछ भी डिफरेंट एंगल ले लिया. उसी तरीके से बिल्कुल इसी के पैरेलल ये पॉइंट 0,1 होगा, इसके पैरेलल ये ऐसे, ये हो गया y is equal to nx plus 1. ठीक है, ये वाला पॉइंट है 0,1, ये 0,0, पैरेललोग्राम ये बन रहा है. अब आपको पता है पैरेललोग्राम में कि भाई ये एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये होगा. ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगनल होगा ना, पैरेललोग्राम का डायगनल उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसका दुगना कर दें तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा. ठीक है, कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. दैट मींस हमें ये वाला पॉइंट पता करना. जरा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए. एक है y is equal to mx plus 1, एक है y is equal to nx. यहां y की जगह पर nx रखा, ये उठ के mx उठ के इधर आया, यानी हो गया 1 अपॉन n माइनस m, और y कितना हो जाएगा n अपॉन n माइनस m. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया. अब इन तीनों पॉइंट से एरिया निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा. मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 टाइम्स इस ट्रायंगल का एरिया, यानी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 मोड ऑफ x1 x2 x3, याद है ना फॉर्मूला. x1 यानी कितना 0, x2 यानी कितना इसका भी ये 0, प्लस x3 यानी 1 अपॉन n माइनस m, फिर ले लिया मोर, फिर y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 माइनस y2 यानी कितना, y2 से कितना है 1, यहां पर कुछ भी रखो, यहां पर कुछ भी रखो, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना है 0, तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं. ये 0, ये कितना बचा माइनस का 2 से 2 गया, माइनस 1 अपॉन एन माइनस एम, माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 1 अपॉन एन माइनस सॉरी एम माइनस एम. कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, चौथा. ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्लिक लाइन. ऑब्लिक लाइन मतलब होता है वो लाइन जो कि ओरिजिन से पास नहीं करती है. कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस. एक लाइन है जो कि एक्सिस को a पर y एक्सिस को b पर कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x / a plus y / b is equal to 1. कोई ऐसे कर सकता है, ये वाला पॉइंट होगा कितना a, 0, ये वाला पॉइंट कितना होगा 0, b. अब उसके बाद अगर दो पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लें, उसको सिंपलीफाई करें, तो ऐसे ही आ जाता है. ठीक है, देखो अगर मान लो ऐसे है लाइन, ये मान लो 4 है, ये 2 है, तो इक्वेशन क्या होगी, x / 4 plus y / 2 is equal to 1. अगर लाइन ऐसी हुई, मान लीजिए ऐसी, x में ये है माइनस 2, ये है माइनस 1, तो इक्वेशन होगी x by माइनस 2 plus y by माइनस 1 equal to 1. अगर लाइन है ऐसी, ये 1 है, ये माइनस 1 है, तो इक्वेशन हो जाएगी x by 1 plus y by माइनस 1 equal to 1. अगर लाइन ऐसी होती, ये 1, ये माइनस 2, तो इक्वेशन होती x by 1 plus y by माइनस 2 is equal to 1. ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने, find a straight line through 3,4. ठीक है, इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाय ए इन थ्री रेशियो 5:4. देखिए ये लाइन है, मान लीजिए इस पर एक पॉइंट है ए. ठीक है, अच्छा उसके बाद ये एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया, वाई इंटरसेप्ट बी मान लिया, ए पॉइंट है 3,4 और ए जो है वो देखिए हमेशा बोला गया 5:4 में तो हमेशा एक्स से वाई की तरफ जाएंगे. ठीक है ना, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर. ठीक है, x से y की तरफ 5:4 में. ठीक है,
अब देखिए अगर हमें ए और बी पता चल जाए तो हम इस लाइन की क्वेश्चन बता सकते हैं। अच्छा देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, 3 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 3 इज इक्वल टू कितना आएगा x क्वाड्रेंट, 5 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स a अपॉन 5 प्लस 4, इस तरह से 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 टाइम्स b प्लस 4 टाइम्स 0 अपॉन 5 प्लस 4। यहां से a कितना आ गया भाई 27 डिवाइडेड बाय 4 और b कितना आ गया भाई 36 बाय 5। अब अगर मुझे इस लाइन की क्वेश्चन बताए तो कैसे बताएंगे, x by a, a कितना है निकला है 27 by 4 प्लस y by b, b कितना है तो 36 by 5 is equal to। अब देखिए हमारे सामने है इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन मतलब नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन हैव लेंथ p, एक लाइन पर ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ p है एंड मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये अल्फा बना रहा फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी x cos अल्फा plus y sin अल्फा is equal to p, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन व्हिच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑफ लेंथ 3, यानी p कितना है 3 एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल 210 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। अब देखिए यहां पर अल्फा जगह पर 210, पी की जगह पर 3, x cos 210 प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 3। cos 210 कितना होता है 180 प्लस 30, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस का x cos 30, cos 30 यानी √3/2 प्लस sin भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए आ जाएगा माइनस y sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 3, दो से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के दो से मल्टीप्लाई किया फिर इसको उठा के इधर यानी √3x plus y plus 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी इस लाइन की इक्वेशन। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन है ax plus by plus c equal to 0, एक पॉइंट है p alpha comma beta, इससे अगर परपेंडिकुलर लेंथ बता रहा है उसका फॉर्मूला होगा d is equal to, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mod of a alpha plus b beta plus c upon a square plus b square, इस पॉइंट को इसके अंदर रखिए mod ले लीजिए और नीचे डिनोमिनेटर में a square plus b square, a क्या है लाइन के x x का कोफिशिएंट और b क्या है लाइन के y का कोफिशिएंट, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं एक पॉइंट के एक लाइन से एलजेब्रिक डिस्टेंस, तो फॉर्मूला ये लगेगा सिर्फ मॉड मत लगाना तो वो निकल आएगा क्या एलजेब्रिक डिस्टेंस, ओके। अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने, लाइन l हैज इंटरसेक्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन है भाई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पर एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और ये x इंटरसेक्ट a है और y इंटरसेक्ट b है, तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी x / a plus y by b is equal to 1, x by a plus y by b is equal to 1। अच्छा when the axes are rotated through a given angle keeping the origin fixed, ठीक है origin को fix रखते हुए इसी axis को rotate कर दिया इन्होंने, मान लीजिए ऐसे आ गया और जितना angle से इधर वही इतना angle इधर, ठीक है line अभी वही है origin fixed, the same line L has intersect P and Q, अब इस नए axis के respect में x intercept इसका A P है और y intercept इसका Q है, तो इसी line की equation अब क्या हो जाएगी नए system के respect में x by P plus y by Q is equal to 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद A B P Q में relation पूछा जाएगा, तो को ध्यान दो यार line में line अभी वहीं पर है origin भी अभी वहीं पर है, line अपनी जगह से हिली नहीं है axis rotate हुई है और ओरिजिन वही है यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर, चाहे पुराने सिस्टम में देखो चाहे नए सिस्टम में देखो दोनों में क्या आएगा इक्वल, ठीक है, तो लगाओ भाई ओरिजिन से दोनों केसेस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन क्या आएगा सेम, लगाओ भाई इसको उठा के इधर इसको उठा के इधर, लगाया डिस्टेंस का फॉर्मूला 0, 0 का 0/a plus 0/b minus 1 upon under root of 1/1, इस x का कोएफिशिएंट कितना है 1/a इसका स्क्वायर प्लस 1 by b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी सॉलिड सिस्टम में देखिए 0, 0 रखिए 0 by p
प्लस जीरो बाई क्यूब माइनस वन का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट इसका कितना है 1 बाई टी प्लस वाई का कोएफिशिएंट 1 बाई क्यू। ओके अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये जीरो जीरो माइनस वन का मॉड एन कितना हो गया वन इस तरह से ये जीरो जीरो इस तरह से ये जीरो जीरो माइनस वन का मॉड बचा माइनस वन का मॉड यानी कितना वन। अच्छा इसको उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये वन हो गया इसको उठा के इधर ले आए ये वन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर आ गया कितना ये मैं ऊपर कर देता हूं अंडर रूट ऑफ वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई क्यू स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सेकंड। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है चलिए मिलते हैं अगली वीडियो सब में बाय बाय।